सो फाइनली गाइस मेरा ग्रैंड मास्टर हो चुका है, जो मैं आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एक हफ्ते के अंदर ग्रैंड मास्टर जाऊंगा, तो गाइस चला गया। और अभी गाइस आप लोगों को भी लेकर जाना है मास्टर ग्रैंड मास्टर। इसलिए गाइस आज का वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास अच्छा स्क्वाड नहीं है, अच्छा डुओ पार्टनर नहीं है, तो इसलिए सोलो में रैंक पुश कर रहे हैं एंड बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं रैंक पुश करने के लिए, मास्टर ग्रैंड मास्टर जाने के लिए। तो गाइस ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में आप लोग देख पाओगे मैं किस तरह से गेम प्ले करके सोलो में ग्रैंड मास्टर गया हूं। आप लोग खुद ही देख सकते हो भाई, एक भी मैच में माइनस नहीं है, मेरा कम हुआ लेकिन माइनस एक भी मैच में नहीं है। तो इस तरह गाइस कैसे गेम प्ले करना है इस वीडियो में आप लोग जान पाओगे। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीख पाओगे आप लोग। जो भी गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट के चलते हैं मैच के अंदर। ओके, तो गाइस मैं आ चुका हूं प्लेन के अंदर। अभी आप लोग देख सकते हो लैंडिंग, भाई सच बताता हूं सोलो में ना लैंडिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे को पता ही नहीं भाई। खतरनाक लैंडिंग करना होता है, बहुत सोच समझ के लैंडिंग करना होता है, नहीं तो गाइस इतने खतरनाक बंदे चारों तरफ बंदे है भाई, क्या बताओ। तो इसलिए गाइस मैं जा रहा था कैप्टन, लेकिन गाइस उधर डायरेक्टली नहीं जा पाया, तो गाइस मिडिल पे मेरे को उतरना पड़ा और मेरे साथ ना दो दो बंदे उतरे। ठीक है, तो मैं इधर से निकल सकता था लेकिन मैंने गन लेके उस बंदे के साथ फाइट करने लगा, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। फाइट करते टाइम उस बंदे ने मेरे को हेड लगा के इजीली मार। ये गलती आप लोगों को कभी नहीं करना है। आप लोग जहां पर जाना चाहते हो उधर ही जाओ, पहले अच्छे से लूट वूट करो तब जाकर फाइट बैठो, कभी भी बीच में फाइट मत लेना। ऑटो रिवाइव होने के बाद गाइस देखो एकदम कंफ्यूज हो जाता है बंदा कहां पर उतरे, जैसे कि मैं इधर कंफ्यूज हो गया। फिर भी गाइस मैं एकदम साइड में होता है घर के सामने, उसके बाद इस घर में जाके ओपी तरीके से लूट किया और थोड़ा बहुत सामने वाले घर से भी लिया। उसके बाद थोड़ा सामने जा रहा था उस बॉक्स को खोलने, लेकिन सडनली मेरे को एक बंदा ना ऊपर से डैमेज देता है, मैं फटाक से ग्लूअल मार। और गाइस मैं सोचता हूं इधर तो मैं फंसा, पक्का मेरा माइनस लगेगा। तो ये सोच के ना गाइस मैं ग्लूअल का कवर छोड़ के परमानेंट घर का कवर लेने के लिए सामने गया और गाइस ऊपर से बंदा मेरे को खतरनाक डैमेज देने लगा। और उसी टाइम ही गाइस पीछे से भी और एक बंदा मेरे को मारने लगा। हाई इतना डर लग रहा था क्योंकि गाइस मैं ग्रैंड मास्टर में था और गाइस अगर माइनस लगता ना बहुत ही गंदा माइनस लगता। एंड उसी टाइम गाइस बंदे ने हिटलिस्ट मार दिया मेरे ऊपर भाई, मतलब क्या ही बताओ उस टाइम सीन। आप लोग सोचो इधर से बंदा मार रहे हैं, उधर से बंदा मार रहे हैं और एक बंदा हिटलिस्ट करके बैठा है। तो उस टाइम मैंने कोई भी गलती नहीं की, एकदम ओपीडी से घर के अंदर गया, जाके आराम से बैठा, थोड़ा रिलैक्स हुआ। उसके बाद सोचा मैं क्या करूंगा, तो मैंने देखा जो हिटलिस्ट बंदा ना ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैंने बिना कोई सोचे समझे उसको फायर करना स्टार्ट कर दिया और गाइस खतरनाक डैमेज देके हिटलिस्ट वाले बंदे को मार दिया। उसको मारने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन मैं उसको लूटने नहीं गया, इधर ही थोड़ा सा वेट किया। उसके बाद जब देखा कोई बंदा नहीं है, मतलब सारे के सारे बंदे इधर उधर चले गए, तब जाके मैं इधर एक ग्लोअल मार के इस बॉक्स को लूटा, क्योंकि शॉर्ट रेंज का कोई भी गन नहीं था। लेकिन गाइस इधर भी मेरे को शॉर्ट रेंज का कोई भी गन नहीं मिला, लॉन्ग रेंज का ही मिला। तो गाइस इधर उधर थोड़ा सा देख के मैं गया उसको लूटने जिसको मैंने मारा था। तो उधर जाने के बाद ओपी तरीके से मेरे को मिल गया M14, जो कि मैं अभी के टाइम चला रहा हूं और वेपन ग्लोरी पे भी पुश कर रहा हूं M14 से वेपन ग्लोरी की रीजन पर। ओके, और गाइस साथ में मेरे को ट्रोगन भी मिल गया शॉर्ट रेंज के लिए। तो गाइस दोनों गन लेके मैं इधर से निकल गया। तो उसके बाद गाइस मैं इस खतरनाक सिचुएशन से बचने के बाद मैं कहीं नहीं गया, इधर ही रुका, इधर ही वेट किया, क्योंकि गाइस मेरा जो लैंडिंग था ना वो गलत हुआ। इस टाइप का अगर लैंडिंग आप लोगों के साथ होता है, गलत लैंडिंग, तो गाइस आप लोगों को मैं एक ही एडवाइस दूंगा, आप लोग ज्यादा घूमो मत। ठीक है, जहां पर हो उधर चुपचाप कोई भी गन वन लेके बैठे रहो जब तक ना टॉप 20 टॉप 30 हो जाए। तो इधर थोड़ा बहुत वेट करने के बाद मैंने देखा सामने दो बंदे की फाइट हो रहा है। ठीक है, तो मैंने ना फटाक से उधर चला गया थर्ड पार्टी करने। तो इधर आके देखा एक बंदे ने एक बंदे को मार दिया था। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस बंदा डैमेज है सोच के डायरेक्टली उसके ऊपर रश करने चला गया और गाइस जाके देखा बंदा नहीं है। तो मैं ऊपर जाने की कोशिश किया, ऊपर भी ग्लोअल मारा था, ऊपर भी बंदा नहीं था, नीचे ही था। तो मैं नीचे आके इधर उधर ढेरने लगा लेकिन बंदा नहीं मिल रहा था। तो मेरे पास था ड्रोन, सुमर कैरेक्टर का ड्रोन था जो कि मेरे को बॉक्स से मिला था, तो मैंने उसको छोड़ दिया और वो ड्रोन जाके लगा एक बाहर। और बाहर भी गाइस फाइट चल रहा था, तो मेरे को चांस मिल गया थर्ड पार्टी का। तो मैंने एक बंदे को खतरनाक डैमेज दिया लेकिन उसको मार नहीं पाया क्योंकि मेरे सामने वाला बंदा मेरा किल चुरा लिया भाई, क्या ही खतरनाक डैमेज दिया था। तो गाइस उसके बाद मैंने इस बंदे के ऊपर आयरिस का एबिलिटी यूज किया और गाइस ग्लोअल के आर पार उसको मारते रहा। लास्ट में बंदा थोड़ा सा आया था तो मैंने उसको खतरनाक डैमेज दिया, पूरा खत्म कर दिया। तो इस तरह गाइस इसको मारने के बाद मेरा हो गया था 2 किल कंप्लीट। और अभी भी गाइस आप लोग देख सकते हो 16 बंदे अलाइव है। ठीक है, और इधर सर्वाइव करते करते 16 बंदे हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो इसलिए मैं सर्वाइव और कैंपिंग को ज्यादा प्रायोरिटी देता हूँ जब भी मैं सोलो में रैंक पुश करता हूँ। और गाइस ये चीज ना आप लोगों को भी करना है अगर आप लोग सीरियसली रैंक पुश कर रहे हो तो। उसके बाद गाइस इधर से दोनों बंदे को लूटने के बाद सामने गाड़ी था और गाड़ी मैंने ले लिया जोन रोटेशन के लिए। तो अभी क्या करना है, बस सर्वाइव करना है। 2 किल हो चुका है मेरा। इधर से गाड़ी लेके मैं चला गया एकदम सामने और सामने जाके मेरे पास था आर्सेनल का की। तो आर्सेनल खोल के मैंने आर्सेनल से लेवल 4 का वेस्ट ले लिया और थोड़ा बहुत जो मेरे को मिला वो सब कुछ ले लिया। उसी टाइम गाइस मेरे ऊपर ड्रोन आया था और ड्रोन में मैंने देखा सामने बंदे है। तो गाइस इधर मैंने थोड़ा सा भी रिक्स नहीं लिया, पटाक से गाड़ी लिया और गाड़ी लेके एक परमानेंट जगह पर जाने के लिए निकल गया। तो मैंने बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा कि एलसी पर बैठ जाए, तो एलसी पर जाके घुस गया मैं और ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके देखा भाई
चारों तरफ बंदे है गाड़ी लेके घूम रहे। मेरे सामने छोटी वाले घर में एक बंदा बैठा है, तो मैंने क्या किया, मैंने उसके घर के किनारे पे एकदम लॉन्चर मारना स्टार्ट कर दिया, एकदम ग्रेनेड मैनेट मारना स्टार्ट कर दिया। उसी टाइम नीचे से एक बंदा मेरे ऊपर रश करने आया, लेकिन मैंने फटाक से ग्लोअल मार के उसको ब्लॉक किया। उसके बाद फिर से उधर ग्रेनेड मैनेट मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बंदे को कुछ भी डैमेज नहीं आया। एंड उसी टाइम देखा पीक के इधर से एक बंदा खुले में आ रहा था, उसको मैंने स्पॉट कर लिया, और स्पॉट करके M14 का क्या ही खतरनाक उसको डैमेज दिया, और बंदे ने मतलब क्या ही बताओ ग्लोअल मार दिया था। लेकिन गाइस उसके ग्लोअल के आर पर उसको मार के आराम से मार दिया आयरिस करके मदद से। तो इसको मारने के बाद 3 किल कंप्लीट करके मैं इधर ही बैठा, और उसी टाइम नीचे वाले घर में दो बंदे के बीच फाइट हो रहा था। तो मैंने इधर से ग्रेनेड मारना फिर से स्टार्ट कर दिया, 2-3 ग्रेनेड मारा, लेकिन बंदे के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं आया, थोड़ा सा डैमेज भी नहीं आया। तो मैंने कोई भी गलती नहीं की, इधर ही थोड़ा सा वेट किया, क्योंकि गाइस इधर से बंदे लोग फाइट करके इधर ही आएंगे, तो मैं ये सोच के इधर वेट करने लगा। और उसी टाइम नीचे से एक बंदा मेरे ऊपर ग्रेनेड मारने लगा, उसको मैंने खतरनाक डैमेज दिया, वो बंदा डैमेज खा के इधर मेरे को ग्रेनेड मार दिया फिर भी, लेकिन मैंने फटाक से ग्लोअल मार के अपने आप को प्रोटेक्ट किया, और उसके बाद नीचे चला गया उस बंदे को मारने के लिए। और नीचे जाके उसी तरीके से उस बंदे को स्टोगन गन से स्प्रे किया और बंदा फिनिश। इस बंदे को पूरा मारने के बाद मैं फिर से घर के ऊपर चल गया, क्योंकि गाइस और भी बंदे आ रहे थे इधर उधर। तो गाइस मैंने ऊपर जाके देखा एक बंदा मॉन्स्टर ट्रक लेके भाग रहा है, उसको थोड़ा सा डैमेज देने की कोशिश की, लेकिन गाइस उसको डैमेज दे नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, मैंने इससे जाके एकदम आराम से लूट लिया, इधर से मेरे को इंजेक्शन भी मिल गया, तो गाइस जोन भी आ रहा था। तो मैंने फटाक से मारते मारते पीछे गया, और पीछे से खिड़की से निकल के ना ओपी तरीके से गाड़ी ले लिया, क्योंकि गाइस अभी जोन में जाना है। और गाइस जोन में जाते टाइम मैंने सोचा कि कहां पर बैठूं, क्योंकि चारों तरफ बंदे थे, मतलब इधर उधर चारों तरफ थे। तो गाइस मेरे को एक परमानेंट कवर चाहिए था, तो इसलिए ऊपर चढ़ गया। ऊपर जाके एकदम देखा कहां पर है, और सामने जाके देखा मैंने इधर पत्थर का कवर है। तो गाइस इधर जाके मैं एकदम खोपचे में बैठ गया, और बैठ के आराम से नोटिस करने लगा कहां कहां पर बंदे। तो बंदे का पोजीशन जानने के लिए मैंने इधर स्कैनर का यूज किया, जो मैं हमेशा हर एक मैच में लास्ट जोन में करता हूं। तो इधर से स्कैनर मार के मैं ओपी तरीके से इधर ही वेट किया, और एक बंदा ना गाड़ी लेके इधर उधर भाग रहा था। मैंने क्या किया, मैंने उसका गाड़ी में बहुत ही खतरनाक डैमेज दिया, लास्ट में गाड़ी को फोड़ दिया। और फोड़ने के बाद बंदा गाड़ी से जब उतरा, मैंने खतरनाक M14 का डैमेज दिया उसको, और वो बंदा भी खत्म। इस बंदे को मारने के बाद बस अभी 3 बंदे बचे रहे मेरे को लेके, ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ नहीं करना, क्योंकि इसी टाइम ना बहुत गंदा सीन होता है, एक बंदे को मारने जाते हैं तो दूसरा बंदा थर्ड पार्टी कर ही लेता है। तो मेरे को थर्ड पार्टी करना था, तो इसलिए मैं इधर ही बैठा रहा और उन दोनों को फाइट करने के लिए दिया। तो इधर से मैं थोड़ा सा भी नहीं हिला, इधर ही रुका, लेकिन मैंने देखा कि कोई भी बंदा अपनी जगह से हिल नहीं रहा, सब लोग थर्ड पार्टी करने के लिए वेट कर रहे। तो मैं भी नहीं निकला, इधर ही वेट किया, और थोड़ा सा वेट करने के बाद मैंने देखा एक बंदा ना पिक इधर से आ रहा था, तो मैंने उसको स्पॉट करके खतरनाक डैमेज देना स्टार्ट कर दिया। उसने ग्लोअल मारा, मैंने आयरिस का एबिलिटी यूज करके उसको मारना स्टार्ट कर दिया, लेकिन बंदा ग्लोअल पर ग्लोअल मार रहा था, और गाइस इधर जोन भी आ रहा था, तो इस वजह से उसको मैंने अच्छे से मार नहीं पाया। तो मैं क्या किया, उसको छोड़ के ना थोड़ा सा आगे गया, जोन का डैमेज खाऊंगा तो बंदा एक गोली में मार देगा, तो इसलिए थोड़ा सा सामने चला गया। और इधर आने के बाद बंदे ने मेरे को क्या ही खतरनाक डैमेज दिया भाई, मैंने ग्लोअल का पूरा पैक कर लिया, और करके ओपी तरीके से मेडिकेट मारा, क्योंकि गाइस अभी अगर थोड़ा सा भी गोली बंदा मारेगा मेरे को मैं मर जाऊंगा। और उसी टाइम गाइस जोन भी आ रहा था, तो फटाक से मैंने पैक खोला, खोल के एकदम ओपी तरीके से सामने गया, सामने जाके ग्लोअल मारा, और ग्लोअल मार के इधर से निकला, निकल के देखा एक बंदा नॉक है, तो मैंने फटाक से उस बंदे को पहले खत्म किया। बंदा खत्म नहीं हो रहा था, मैंने बहुत गोली मारा, उसके बाद खत्म हुआ। उसके बाद गाइस एक ग्लोअल मारा, ग्लोअल के कवर में आके ओपी तरीके से देखने लगा सामने वाला बंदा कहां, क्योंकि ये बंदा इसको नॉक किया था और मैंने इसका किल चुरा लिया। तो मैंने देखा बंदा एकदम पेड़ के कवर में है दूर में, तो मैंने अच्छे से बंदे को देखने के बाद मैंने क्या किया, उसके सामने चला गया एक ग्लोअल मार के, ठीक है। तो ग्लोअल मार के उसके सामने जाने के बाद मेरे पास ग्रेनेड था, मैंने ग्रेनेड दो तरफ से उसको मार दिया, क्योंकि पेड़ के कवर में था बंदा। तो बंदे ने ग्रेनेड देख के ना ओपी तरीके से इधर से ग्लोअल मार के सामने चला गया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आयरिस कैरेक्टर का एबिलिटी ऑन करके उसको डैमेज देने लगा, लेकिन बंदा ग्लोअल पर ग्लोअल मार रहा था, तो मैं अच्छे से एम नहीं कर पा रहा था बंदे को। तो मैंने क्या किया, ग्लोअल मार के थोड़ा सा क्लोज किया बंदे के, और जाके मैंने फिर से उसको डैमेज देना स्टार्ट कर दिया ग्लोअल के आर पर, और बंदा मेरे ऊपर ग्लूमिन मार रहा था। तो मैंने क्या किया, उसके सामने चला गया, और सामने जाके ओपी तरीके से उसके ऊपर रश कर दिया, रश करके इधर से जाके बंदे को मारने का, लेकिन बंदा इधर से भाग गया था। तो मैं फिर से फटाक से इधर से जाके एकदम ओपी तरीके से एक जंप करके बंदे को खतरनाक डैमेज दिया, और बंदा ना उसके बाद उसके सामने जाके M14 से उसको पूरा फिनिश किया। तो इसको मारने के बाद ओपी तरीके से मेरे को मिल गया पिया। और गाइस आप लोग देख सकते हो ग्रैंड मास्टर के लॉबी पर कैसे खेलना पड़ता है। तो गाइस इस तरह अगर आप लोग गेम प्ले करोगे तो गाइस आप लोगों का 100% हर एक मैच पिया होगा, ठीक है। और गाइस आप लोग देख सकते हो मैं 1700 में हूं, ठीक है। तो अभी मेरे को कुछ भी करके रीजन पुश करना है, रीजन में टॉप 100 में जाना है। तो गाइस आप लोग सपोर्ट करो, साथ में रहो, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। सो गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू।